अस्सलाम वालेकुम शहजादो, कैसे आप लोग? आई होप यू आर ऑल डूइंग वेरी वेल। अच्छा बेटा, हमने स्पेशली डिजाइन पीएनजी से स्टार्ट किए थे, जिसमें हम एलईडी को और फोटो डायोड को हम डिटेल के साथ बेटा एक-एक चीज उनकी हमने कवर कर लिया है। ठीक है, इस सिलसिले का बेटा लास्ट, सबसे लास्ट फोटोवोल्टाइक सेल, या इसका दूसरा नाम है सोलर सेल। बड़ा ही बेटा इंटरेस्टिंग है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, जो हमारे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होते जा रहे हैं बेटा, कम होते जा रहे हैं। और दुनिया क्या कर रही है, अब रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ जा रही है, और जिसमें बड़ी ही इंपॉर्टेंट जो रोल है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट जो यूज है, वो सोलर सेल का है या फोटोवोल्टाइक सेल का है। ये भी किससे बना होता है बेटा? डायोड से बना होता है। तो बेटा देखिए, डायोड जो छोटी सी चीज है, कहाँ कहाँ जाके अपना रोल प्ले कर दिया। मतलब फ्यूचर की जो हमारी एनर्जी मिक्स होगी, उसमें फोटो डायोड, ये जो सोलर सेल है या हमारा डायोड है, उसका बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल होगा। ठीक है, तो बेटा देखते हैं ये सोलर सेल होता क्या है, कैसे वर्क करता है, प्रिंसिपल इसका क्या है, डिटेल के साथ देखते हैं। ठीक है, बुक में तो इसको 3-4 लाइनों में बुक वाले ने करके एक फॉर्मेलिटी पूरी कर दी है, लेकिन हम चूंकि बड़ा ही मतलब एक इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब अपने इम्पैक्ट्स में, अपने यूज में एक बड़ा ही मेजर रोल है इसका, तो हम थोड़ा सा डिटेल में इसको करेंगे, ताकि एक एक चीज इसकी क्लियर हो जाए। और इंशाल्लाह जो स्टूडेंट्स आगे इंजीनियरिंग में जाएंगे, आप में से इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जाएंगे, यूनिवर्सिटीज में जाएंगे, उनको आज ये जो सोलर सेल, यहाँ पे पड़ा हुआ सोलर सेल, आगे जाके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की ब्रांचेस में काफी ज्यादा होगा, हेल्प आउट होगा। ठीक है, तो बिस्मिल्लाह पढ़ के इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं इसको, फोटोवोल्टाइक सेल। अच्छा बेटा, इसके नाम में एक वर्ड यूज हो रहा है सेल का। सबसे पहले तो हमें क्लियर होना चाहिए सेल क्या चीज होती है। सेल होता है सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या सोर्स ऑफ करंट। तो सेल क्या चीज होती है बेटा? सोर्स ऑफ करंट, सोर्स ऑफ करंट। ठीक है, तो ये फोटो सेल या फोटोवोल्टाइक सेल या सोलर सेल, ये कोई ऐसी चीज होगी बेटा जो हमें क्या प्रोवाइड करेगी। ये ऐसा कोई सेमीकंडक्टर होगा जो हमें क्या प्रोवाइड करेगा बेटा, करंट प्रोवाइड करेगा या इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो आइए जी, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। अ सेमीकंडक्टर डायोड, सेमीकंडक्टर से मिलकर बना होता है, ठीक है, सेमीकंडक्टर, कंडक्टर, डायोड विच प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विच प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये हमें बेटा क्या प्रोवाइड करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये ऐसा डायोड है बेटा, ऐसा डायोड है जो हमें प्रोवाइड क्या करता है बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये करता क्या बेटा, कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है? एक्चुअली जो सनलाइट आ रही होती है हमारे पास, उसको ये डायरेक्टली कन्वर्ट कर देता है बेटा, किसमें, करंट में कन्वर्ट कर देता है, या कन्वर्ट कर देता है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो यानी कि इसका जो मेजर जो काम है वो क्या है बेटा काम, ये हमारे पास जितनी भी बेटा सनलाइट आ रही है, सनलाइट इसको डायरेक्टली कन्वर्ट कर देता है बेटा किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो यानी कि एक बड़ा ही एफिशिएंट और बड़ा ही मतलब डायरेक्ट किस्म का सोर्स ऑफ लाइट है या सोर्स ऑफ एनर्जी है, सनलाइट को कन्वर्ट कर रहा है बेटा किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। कैसे कन्वर्ट करता है बेटा, इसके पीछे एक प्रिंसिपल है। क्या प्रिंसिपल है? उस प्रिंसिपल का नाम है बेटा फोटोवोल्टाइक इफेक्ट। प्रिंसिपल क्या है बेटा, इसका प्रिंसिपल लिख लें सबसे पहले। प्रिंसिपल प्रिंसिपल क्या है बेटा, इसका फोटोवोल्टाइक इफेक्ट इसका प्रिंसिपल है। इट इज बेस्ड ऑन फोटोवोल्टाइक इफेक्ट। ये क्या होता है फोटोवोल्टाइक इफेक्ट, अभी बेटा हम इसे पर्दा उठाते हैं, फोटोवोल्टाइक इफेक्ट। ठीक है, इसको मतलब स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं। सबसे पहले देख लिया इसकी डेफिनेशन, इसका काम देख लिया करता क्या है, ठीक है, और इसका प्रिंसिपल देख लिया। क्या प्रिंसिपल होता है बेटा? फोटोवोल्टाइक इफेक्ट होता है। अब बेटा इसके प्रिंसिपल को थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं, कैसे बेटा ये फोटोवोल्टाइक इफेक्ट के जरिए से कन्वर्ट करता है लाइट को, सनलाइट को, इंटू इलेक्ट्रिसिटी, वो देख लेते हैं। ठीक है, इसकी कंस्ट्रक्शन में बेटा क्या होता है,
इसकी कंस्ट्रक्शन में जो कि पीएन जंक्शन है, डायोड है बेटा, तो एक एन रीजन होगा और एक क्या होगा, पी रीजन। लेकिन ये जो एन और इसका एन और पी रीजन है, ये थोड़ा सा हटके होता है। इसमें एक रीजन बड़ा थिक होता है और एक रीजन बड़ा ही क्या होता है, थिन होता है। तो हमारे पास बेटा एक थिक रीजन होता है एन टाइप, थिक रीजन होता है एन टाइप, ये एक एन टाइप रीजन है जो कि बड़ा ही क्या होगा बेटा, थिक होगा ये। और बेटा इस थिक एन टाइप रीजन के ऊपर एक थिन लेयर होती है पी टाइप रीजन की। ये क्यों एक थिक रखते हैं, क्यों थिन रखते हैं बेटा, इसको भी हम देखेंगे इंशाल्लाह, क्लियर हो जाएगा इस लेक्चर के एंड तक आपको। तो ये बेटा हमारे पास दो रीजन है इसके, एक ये एन रीजन है जो कि थिक रीजन है, एन रीजन, और ये क्या है बेटा, पी रीजन। एन रीजन बेटा जैसा कि क्लियरली आपको पता चल रहा है क्या है, थिक रीजन है, थिक एन रीजन। और ये जो पी रीजन है बेटा, ये क्या है बेटा, थिन, थिन पी रीजन लेयर। इसकी लेयर बेटा जो थिक एन रीजन लेयर के ऊपर पी थिन लेयर हमने कर दिया, क्यों थिन रखी है बेटा, अभी इसको देखेंगे। अच्छा बेटा अगर मैं इसको कनेक्ट कर दूं एक आउटर लोड के साथ, ठीक है, एक लोड के साथ कनेक्ट कर दूं। अब लोड क्या चीज होती है, लोड ऐसी चीज होती है जो इलेक्ट्रिसिटी को यूज करती है। ये बल्ब भी हो सकता है कोई, ये आपका कंप्यूटर भी हो सकता है, ये पंखा हो सकता है, फैन हो सकता है, एयर कंडीशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लोड ऐसी चीज होती है बेटा जो जो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करती है बेटा, यूज करती है। तो इसके साथ बेटा मैं कर देता हूं एक लोड कनेक्ट कर देता हूं। लेट सपोज यहां पे आर एल एक लोड रेजिस्टेंस है, अच्छा ये आर एल है बेटा, एक लोड रेजिस्टेंस, ठीक हो गया बेटा। अब बेटा यहां पे देखें इस पूरे सर्किट में कहीं भी मैंने बैटरी कनेक्ट नहीं की, कहीं पे भी मैंने सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं किया, लेकिन फिर भी हमें इस सर्किट में क्या मिलेगा बेटा, करंट मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। कैसे मिलेगी बेटा, वो इस पीएन जंक्शन इस फोटो सेल की मदद से मिलेगी। कैसे मिलेगी बेटा, लेट सपोज अगर इसके ऊपर आप सनलाइट अगर इसके ऊपर आके पड़ती है, इंसिडेंट होती है, ये सनलाइट है बेटा, ये इसके ऊपर सनलाइट आके इंसिडेंट हो रही है, ये सन लाइट है बेटा, सन लाइट। जैसे बेटा ये सन लाइट इसके ऊपर आके इंसिडेंट होती है, तो होता क्या, सन लाइट के इंसिडेंट होने से बेटा इसमें एक इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेट होता है, इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेट होता है, ठीक है। जैसे बेटा ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होता है, तो इस पी रीजन में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो कि इलेक्ट्रॉन्स है उनकी वैल्यू इंक्रीज होती है, और एम रीजन जिसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल है उनकी वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, उनका नंबर क्या हो जाता है, इंक्रीज होता जाता है। तो जैसे सनलाइट इसको हिट करेगी आके इस पी और एम रीजन को, तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होगा, जिससे पी में भी और एन में भी दोनों में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वैल्यू क्या होगी बेटा, इंक्रीज होगी, ठीक है। इसमें क्या होगा बेटा, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इंक्रीज होंगे, ठीक है। अब बेटा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इंक्रीज होंगे तो क्या होगा बेटा, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। करंट फ्लो ऐसे स्टार्ट करेगा कि एक तरफ बेटा वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाएगा पॉजिटिव और एक तरफ क्या हो जाएगा नेगेटिव, यानी कि एक वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाएगा पॉजिटिव और नेगेटिव, जिसकी वजह से क्या होगा बेटा, करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, ये करंट बेटा फ्लो करेगा। और ये करंट बेटा किसमें से भी फ्लो करेगा, इस लोड में से भी फ्लो करेगा। अब बेटा देखिए सर्किट में कहीं पे भी हमने बैटरी कनेक्ट नहीं की थी, फिर भी इस सर्किट में क्या फ्लो कर रहा है बेटा, करंट फ्लो कर रहा है। ये करंट कहां से आया बेटा, इस पीएन जंक्शन से या इस सोलर सेल से हमें मिला है। अच्छा ये बेटा ये जो करंट है इसकी वैल्यू डिपेंड करेगी लाइट की इंटेंसिटी पे, ये डिपेंड करेगी लाइट की इंटेंसिटी पे। जितनी लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होगी बेटा, ये करंट भी उतना ही ज्यादा होगा, यानी कि करंट में और लाइट इंटेंसिटी में क्या होगा बेटा, डायरेक्ट रिलेशन होगा। अगर ग्राफ ड्रॉ करें तो हम जानते हैं डायरेक्ट रिलेशन का ग्राफ क्या होता है बेटा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। यहां पे इंटेंसिटी आ जाएगी और यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, करंट आ जाएगा।
अच्छा बेटा ये जो बात मैंने लिखी है, सनलाइट के आने से इलेक्ट्रॉन होल पे जनरेट हुआ, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इंक्रीज हो गए, जिसकी वजह से करंट का फ्लो क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। करंट का फ्लो क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। ये बात इस तरह से लिखी हुई है हमारी बुक में और हम सबको ये बात याद होती है, मतलब हमने एक किस्म से इसका रट्टा लगाया होता है। लेकिन एक्चुअली ये बात है कि इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे मैं इलेक्ट्रॉन होल पे जनरेट होने से करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाता है, उसको बेटा देखते हैं, मतलब इसका कॉन्सेप्ट भी समझते हैं, ताकि जो बात हमने याद की होती है उसकी हमें अंडरस्टैंडिंग भी तो हो ना, कि ये बात एक्चुअली हम याद तो कर रहे हैं लेकिन इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। तो इसका कॉन्सेप्ट भी बेटा देख लेते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे। ये लेट सपोज बेटा मैं पीएन जंक्शन एक यहां पर ड्रॉ करता हूं, ये पीएन जंक्शन मैं ड्रॉ कर रहा हूं यहां पे। जैसा कि बेटा आप देख रहे हैं इस पीएन जंक्शन में एक हमारी लेयर कौन सी है, थिक लेयर है, और एक कौन सी लेयर है बेटा, थिन लेयर। तो मैं भी ऐसे ही करूंगा बेटा, एक लेयर थिक ले लूंगा और एक लेयर ले लूंगा थिन ले लूंगा। और इन दोनों लेयर्स के दरमियान में एक रीजन होता है, जिस रीजन का नाम होता है डिप्लीशन रीजन। हम सब पढ़ चुके हैं डिटेल के साथ बेटा, हम पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज डिप्लीशन रीजन, क्या उसका इफेक्ट होता है, मतलब कैसे प्रोड्यूस होती है, ये सारी कहानी हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं। और मुझे उम्मीद है मतलब आपको ये याद होंगे ये कॉन्सेप्ट, ठीक है, क्लियर होंगे सारे कॉन्सेप्ट। तो बेटा यहां पे देखिए थिन रीजन हमारा कौन सा है, पी, और थिक रीजन कौन सा बेटा, एन, ये एन रीजन है। और इनके दरमियान में क्या होता है बेटा, डिप्लीशन रीजन होती है, जिसके एक साइड पे क्या होती है बेटा, पॉजिटिव चार्ज की लेयर होती है और दूसरी साइड पे नेगेटिव चार्ज की लेयर होती है, ठीक है, ये डिप्लीशन रीजन है। डी आर से बेटा मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक हो गया। अच्छा बेटा जैसा कि हम जानते हैं डिप्लीशन रीजन में कोई भी चार्ज कैरियर नहीं होते, सिर्फ क्या होता है बेटा, क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की लेयर होती है, यहाँ पे चार्ज कैरियर नहीं होते। लेकिन यहाँ पे एटम्स तो होते हैं, चार्ज कैरियर का मतलब इलेक्ट्रॉन और होल नहीं है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे एटम्स तो होंगे। तो यहाँ पे लेट सपोज एक एटम का मॉलिक्यूल है, ये एक एटम है हमारे पास, ये एटम है हमारे पास। अब बेटा इलेक्ट्रॉन और होल पे जनरेट कैसे होगा और करंट का फ्लो कैसे स्टार्ट होगा, तो यहां पे देखें बेटा जैसे यहां पे लाइट आएगी, लाइट बेटा जैसे इस मॉलिक्यूल को मिलेगी, एटम के मॉलिक्यूल को, तो क्या होगा बेटा, एटम के मॉलिक्यूल को जैसे लाइट मिलेगी तो इसमें से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक इसमें से बेटा एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एमिट होगा, ये इलेक्ट्रॉन एमिट होगा। हम जानते हैं जैसे बेटा किसी जगह से इलेक्ट्रॉन एमिट होता है वहां पे क्या जनरेट होता है, होल जनरेट होता है। तो यहां पे क्या जनरेट हो जाएगा बेटा, होल जनरेट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन कैरी करता है नेगेटिव चार्ज और होल क्या कैरी करता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पे ये जो डिप्लीशन रीजन की लेयर है, पॉजिटिव और नेगेटिव की चार्जेस की जो लेयर है, वो इन इलेक्ट्रॉन और होल को आपस में कंबाइन नहीं होने देगी। ये जो नेगेटिव लेयर है इस होल को बेटा इस तरफ से अट्रैक्ट करेगी, और ये जो इलेक्ट्रॉन की लेयर है उसको ये पॉजिटिव चार्जेस की लेयर डिप्लीशन रीजन में इस तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी पॉजिटिव और नेगेटिव लेयर्स की वजह से, इन्होंने इलेक्ट्रॉन और होल पेयर को कंबाइन नहीं होने दिया बल्कि सेपरेट कर दिया। और जैसे बेटा यहां पे इनको आप कोई पाथ प्रोवाइड करेंगे, ये क्या करेंगे बेटा, उस पाथ में फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे, जिसकी वजह से करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बेटा कहानी थी सारी हमारे, ये कहानी थी बेटा सारी सोलर सेल के पीछे, कि सोलर सेल में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कैसे होती है, कैसे इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेट होते हैं और करंट प्रोड्यूस होता है। अब बेटा जो एक सोलर सेल है, कोई भी एक सोलर सेल है, इसमें से हमें 0.6 वोल्ट वोल्टेज मिलता है, पोटेंशियल मिलता है, और इससे बेटा फ्यू मिली एम्पीयर्स क्या मिलते हैं, करंट के मिलते हैं, फ्यू मिली एम्पीयर्स करंट के मिलते हैं। इसलिए बेटा एक सोलर सेल हम कभी भी यूज नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं, काफी ज्यादा सोलर सेल्स को कंबाइन कर लेते हैं, जिससे क्या मिल जाता है हमें, एक सोलर पैनल मिल जाता है, जिसकी वोल्टेज भी ज्यादा होती है और करंट भी ऑब्वियसली हमें क्या मिलता है, ज्यादा होता है। तो हम क्या करते हैं बेटा, मैनी सोलर सेल्स कंबाइन टू फॉर्म सोलर पैनल, ठीक हो गया। तो ये बेटा हमारे पास क्या था, सोलर सेल था या फोटोवोल्टाइक सेल। एंड उम्मीद करता हूं बेटा इसकी एक एक चीज क्लियर हो चुकी होगी, जितने भी पीएन जंक्शन हमने पढ़े, स्पेशली डिजाइन पीएन जंक्शन, उनकी तमाम चीजें बेटा क्लियर हो चुकी होंगी। अब भी इनमें से कोई भी मसला होगा तो बेटा आप कमेंट सेक्शन में लास्ट में
उसको पूछें। उम्मीद करूंगा मतलब आप अभी तक तो क्लियर हो चुकी होगी, लेकिन जो भी कोई मसला होगा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में उनको भी मैं क्या कर दूंगा, कवर कर दूंगा। ठीक है, यहां तक बेटा कोई भी मतलब हमारी जो तकरीबन हमारा जो हाफ चैप्टर है, हमारा इस ये जो 18 चैप्टर वो कवर हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक न्यू चैप्टर इसका टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो कि कंप्लीटली इससे एक नई चीज होगी, ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, ट्रांजिस्टर को डिटेल में देखेंगे, उनके यूजेस देखेंगे, उनके डिफरेंट सर्किट्स को हम क्या करेंगे बेटा, स्टडी करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बेटा आपने अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। अल्लाह ताला।